Good afternoon everyone, and Abhishek sir for giving me this opportunity, and thanks to the lovely group Ladies Kids and Fun Club. मैं सुभश्री साहू ओडिशा से मैं आज बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का मसाला एंड ब्रेड रोल्स. पनीर टिक्का मसाला के लिए मैं ली हूँ अमूल का पनीर, कर्ड, हंकर्ड, रोस्टेड बेसन, गरम मसाला, चिली पाउडर, हींग, मस्टर्ड ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट. और ग्रेवी के लिए चॉप्ड ओनियन, चॉप्ड टमाटो, जिंजर गार्लिक, इलायची, देन ब्लैक पेपर, क्लॉव्स, काजू, कोरिएंडर मसाला, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट. और ग्रेवी के लिए फ्राई ग्रेवी के लिए चॉप्ड ओनियन एंड चॉप्ड टमाटो और बे लीफ एंड क्लॉव्स एंड ब्लैक पेपर. और ब्रेड रोल्स के लिए मैं ली हूँ ब्रेड, अमूल का मिल्कमेड, सुगर, ये केसर, सूजी एंड अमूल का बटर, अमूल का मिल्क पाउडर, ये फ्रेश क्रीम, अमूल का घी. अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी गैस ऑन कर रही हूँ. पहले मैं ग्रेवी को बना दूंगी, थोड़ा सा फ्राई करेंगे ग्रेवी को. बटर यूज करूंगी ये देखना मैं अच्छा कौन बनू पचर पनीर टिक्का मसाला एंड ब्रेड रोल्स. ये जस्ट थोड़ा सा सॉटे ही होगा. ये बटर मैं पहले डाली हूँ, अमूल का बटर, फिर ओनियन, ये हल्का ही सॉटे करना है, ब्राउन कलर नहीं करेंगे. फिर गार्लिक, जिंजर, कार्डमम, ये ब्लैक पेपर और क्लोव्स. इसमें ही टमाटो डाल दूंगी. सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर. घी को दिया था, तो इसे थोड़ी पानी देकर पकाने के लिए छोड़ देंगे.
टिक्का मसाला के लिए, पनीर टिक्का के लिए एक बाउल में पनीर, अमूल का पनीर, देन होम कट चिली पाउडर, हींग, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दिस इज गरम मसाला, रोस्टेड बेसन और ये मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा नमक, इसे मैरिनेट के लिए मैं अभी फ्रीज में रखूंगी। टिक्का पनीर टिक्का मसाला इसे अभी ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। फिर और एक पैन में वो ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। अभी मैं ब्रेड रोल की तरफ जा रही हूँ। ब्रेड रोल्स के लिए मैं जो बैटर चाहिए वो कर रही हूँ। ब्रेड रोल्स के लिए मुझे दो चीज़ चाहिए, बैटर एंड ग्रेवी। उसका जो फीलिंग होगा वो और ग्रेवी। देखिए सूजी और रावा, अमूल का मेरा जो है ये ब्रेड के अंदर जो फिलिंग होगा वो मैं रेडी कर रही हूँ। फिर इसमें मैं
पाउडर डालूंगी अमूल का। चीनी 1 स्पून, मिल्क में भी पड़ेगा, इसे सेम होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इलायची डालेंगे, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट डालेंगे, ये बैटर हम ठीक होने तक स्टर करेंगे। पनीर को फ्राई करूंगी, ये इस तरफ सीम में रख लेंगे और थोड़ा हल्का ये अभी पनीर टिक्का फ्राई करने के लिए मैं अभी बटर यूज कर रही हूँ। हेलो हो गया है, और थोड़ा होगा बैटर। फिर इसके बाद इसका रबड़ी बनाएंगे ब्रेड रोल्स का। बंद कर दूंगी अभी। इस तरफ मैं पैन में पनीर का टिक्का को फ्राई करूंगा जो मैरिनेट की थी।
ये बन रहा है पनीर टिक्का मसाला एंड ब्रेड रोल। मैं दोनों ही प्रिपरेशन एक ही साथ की हूँ, कर रही हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। इसे मैं मीडियम फ्लेम में रख दूंगी। अभी जो मैं फ्राई की थी जो मसाला, उसे मैं ग्राइंड कर दूंगी। अभी मैं इसमें रबड़ी बना दूंगी। बैटर हो गया था मिल्क ब्रेड का, ब्रेड रोल्स का, अभी रबड़ी बनाऊंगी। रबड़ी के लिए मिल्क का दूध, दूध कब लूंगी रबड़ी के दूध के लिए। चीनी 1 स्पून, सब एक साथ ही डाल दूंगी। ये थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद मिल्क मेड एंड केसर।
स्लाइस ली हूँ ब्रेड, उसे मैं काटूँगी साइड से। ये मेरा इस तरफ हो, ये हो गया है मिल्क एंड शुगर बॉयल हो गया है। अभी मैं इसमें मिल्क में ऐड करूँगी, अमूल का ही मिल्क में। इसे धीमी आंच में इतना पकाऊंगी। इसे रबड़ी के लिए हो रहा है ये प्रिपेयर। अभी इस ब्रेड को मैं काट लूंगी। चलो इसे हम बाद में ब्रेड ब्राउन भी कर सकते हैं। पनीर टिक्का में थोड़ा सा जैसे आपको मर्जी, ये थोड़ा सा टिक्का आपको कड़ा चाहिए, ये इसी तरह से ही आधा हो गया है इसलिए काटेंगे निकालेंगे। ये मैरिनेट मिनिमम आधा घंटे रखने से अच्छा रहता है, लेकिन मैं अभी 15 मिनट ही या 10 मिनट ही रखी हूँ। पनीर टिक्का मसाला के लिए पहले पनीर को आप मैरिनेट कीजिए, फिर जो ग्रेवी है उसे आप थोड़ा सा बटर या ऑयल से थोड़ा सा सॉटे करेंगे, फिर उसके बाद इसको फ्राई करके अभी हम ग्रेवी बनाएंगे। ये ऑलरेडी अमूल का बटर यहाँ पे है, अभी थोड़ा सा घी डालूंगी अमूल का। बटर डाला था, अभी घी डाली हूँ। तेज पत्ता, देन ब्लैक पेपर एंड क्लॉथ, अभी इसमें चॉप ओनियन,
मटर को मैंने फ्राई किया था उसका पेस्ट।
काट करके डालते हैं, जो बैटर बीच में जो देते हैं लाइट में, इसका फिलिंग बैटर फिलिंग इसका अलग है और बैटर भी इसका अलग है। ब्रेड रोल्स रेडी हो गया है। कंप्लीट हो गया है पनीर टिक्का मसाला एंड ब्रेड रोल्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू अमूल अभिषेक सर एंड रश्मि जी फॉर गिविंग मी दिस लवली अपॉर्चुनिटी।